वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले तीन दिनों में इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को ऐसे दो बड़े झटके लगे हैं जिनसे निकलना, जिनसे उभरना कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस संडे को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का गोली मारकर हत्या कर दिया गया, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कल रात को यानी कि ट्यूजडे नाइट को बॉलीवुड के फेमस सिंगर के सर, वो एक लाइव कंसर्ट कर रहे थे, वहाँ पे उनकी तबीयत खराब होती है और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे गलती किसकी है, ये दोनों डेथ जो है ना वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इशारा करते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा गलत हुआ जिस कारण ये दोनों डेथ जो है वो हुई। तो आज इसी पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। उनकी एज सिर्फ 28 साल और इस छोटे से एज में, इस कम एज में उन्होंने काफी नाम, पैसा, शोहरत सारा कुछ कमाया। वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो गए थे जो कहीं ना कहीं एक रीजन बना उनके इस डेथ का। तो पिछले साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उसके टिकट से चुनाव लड़ा और वो हार गए। वहाँ से आप की सरकार बनी पंजाब में, आपको पता है कि अभी आप गवर्नमेंट की सरकार है और आप गवर्नमेंट ने जैसे कुछ दिन पहले अनाउंस किया था, जैसे सरकार बनी थी, कि वो वीवीआईपी जो है ना उनके सिक्योरिटीज जो है वो विड्रॉ करने वाले, हटाने वाले हैं। तो सिद्धू मूसेवाला जो है उनके पास 6 गनमैन दिया हुआ था, 6 सिक्योरिटी थे उनके पास। तो 28th को एक पोस्टर रिलीज किया गया जिसपे कि 494 या 88 कुछ ऐसे ही वीवीआईपीज और मूसेवाला ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर नेम उनका लिखा हुआ था कि इनकी सिक्योरिटी जो है वो हटाई जा रही है। ये जब आप देखोगे ना गौर से तो ये एक, पता, अगर आप सोचोगे ना तो ये एक आपको मास्टर प्लानिंग लगेगी, लगेगा कि यार सब कुछ पहले से प्लान था। क्या वो पोस्टर पे सिद्धू मूसेवाला का नाम होना कि 28 को उनकी सिक्योरिटी जो है वो हटाई जा रही है और 29 को उनकी डेथ हो जाती है। तो बात करते हैं कि कैसे डेथ हुई उनकी, कैसे प्लानिंग किया गया। पंजाब में गैंग वॉर चलते रहता है और दो गैंग है, एक गैंग का नाम तो फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई वो, और गोल्डी बरार फिलहाल कनाडा में है और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो तिहाड़ जेल में है, लेकिन जेल में रह के भी वो सारे कांड करता है, वहीं से सारा कुछ जो है वो मैनेज करता है। तो पिछले साल मोहाली में लॉरेंस बिश्नोई जो है उसके एक खास आदमी का मर्डर हो गया, मर्डर आया सेकेंड गैंग पे, और सेकेंड जब इंक्वायरी हुई ना तो इसमें सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर था उसका नाम आया, तो उसको अमेरिका भेज दिया गया और बिश्नोई को पता चला कि इसमें सिद्धू मूसेवाला का हाथ है, तो उसने ले लिया सिद्धू मूसेवाला को अपने टारगेट पे कि भाई इसका नाम था, तुमने इसे भगाया, वो टारगेट पे ले लिया उसको। उसने उसको फोन भी किया लेकिन सिद्धू मूसेवाला जो है उन्होंने भी बोला कि अगर ठीक है तुम अगर गन रखते हो, मैं भी अपना गन रखता हूँ, लोड रखता हूँ, तो ये बात हो गई। तो तभी से टारगेट पे ले लिया और क्या हुआ कि 28 को जैसे अनाउंसमेंट हुआ सिक्योरिटी विड्रॉल का, 28 को दो गनमैन, 6 गनमैन थे सिद्धू मूसेवाला के पास, दो गनमैन हटा लिया गया, बचे चार। चार में 29th को सुबह सुबह पंजाब में कोई फंक्शन था कहीं पे, वहां पे दो गनमैन को भेज दिया गया। अब बचे इनके पास सिर्फ दो गनमैन और इनको जाना था एक अपने किसी बीमार रिश्तेदार से मिलने। तो नॉर्मली वो बुलेट प्रूफ कार में जाते हैं लेकिन उस दिन वो थार में निकले, अपनी थार में उनके साथ एक दोस्त और एक और भाई था, मतलब तीन आदमी थे टोटल। वो निकलते हैं घर से, 10 किलोमीटर जाना था और वो अपने गनमैन को भी साथ नहीं ले जाते, ना बुलेट प्रूफ कार में बैठते हैं और ना ही गनमैन को साथ ले जाते हैं। ये होता है जब इंसान की मौत आती है तो वो ऐसा सारा कुछ हो जाता है ना, ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि बाद में सोचने पे लगता है यार ये गलती कैसे कर सकता है कोई भी, लेकिन ऐसा होता है। तो वो जैसे ही आधे रास्ते पे पहुंचते हैं तीन गाड़ियां उनको घेरती हैं उनकी गाड़ी को, और वहां पे यूज होता है गन AK-94 का। AK-94 जो है ना वो AK-47 और AK-74 से भी ऊपर का है, ये एक मिनट में अप्रॉक्स 300 राउंड से ऊपर फायर करती है, ये बहुत ही एडवांस, बहुत ही हल्की गन है, उसका यूज किया गया। टोटल 30 राउंड फायरिंग हुई उस पे और जिसमें से 12 बुलेट्स जो है वो उनके बॉडी में लगी, कुछ बुलेट्स जो है वो बॉडी में रह गई, कुछ जो है वो आर पार निकल गई। तो जब पोस्टमार्टम हुआ तो 12 बुलेट्स के जो होल है वो उनकी बॉडी में थे।
तो वो उसी टाइम ऑन स्पॉट डेथ हो गए, वो और उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे एक वो किसी से दुश्मनी नहीं थी उनको, वो उनका नाम आया कि उसने अपने मैनेजर को भगाया है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने टारगेट पे ले लिया उनको, उनसे पैसे की डिमांड की गई। तो ये सारा कुछ हुआ जो कि उनके डेथ का एक कारण बना। पता नहीं कि इसमें किस हद तक सच्चाई है कि उनका हाथ था या नहीं था, इस पे मैं कोई बहस नहीं करना चाहूंगा। जो एक स्टोरी निकल के आई वो मैंने आपको बताई कि एक क्या क्या रीजंस ऐसे हो गए कि ऐसा कुछ सिचुएशन बना जो बात हत्या तक आ गई। तो ये तो बात हो गई सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। अब बात करते हैं बॉलीवुड के फेमस सिंगर के सर के बारे में। 1999 में एक एल्बम आई थी पल, उसके बाद वो गाना इतना फेमस हुआ ना कि हर फेयरवेल पार्टी में, स्कूल कॉलेज में वो गाना जो है वो बजने लगा। जब भी स्टूडेंट्स अलग होते थे वो गाना प्ले होता था, बहुत इमोशनल सॉन्ग है वो। तो वो सॉन्ग आया और काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा। के सर उसी टाइम से पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री में छा गए। सिर्फ उन्होंने हिंदी में ही नहीं बल्कि सारे लैंग्वेज में उन्होंने गाना गाया। हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, सभी लैंग्वेज में उन्होंने गाने गाए हैं। तो आप समझ सकते हो किस तरीके के टैलेंटेड थे। और कभी उन्होंने म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली थी, वो मतलब नेचुरल थे, वो मतलब पैदा हुए थे उस टैलेंट के साथ वो। तो उसके बाद 1999 के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद एक से एक ब्लॉकबस्टर गाने दिए। और उनका जो वॉइस है ना, वो एक्टर इमरान हाशमी के साथ इतना परफेक्ट मैच करता था। इमरान हाशमी के साथ दो सिंगर्स का मैच करता था, एक हिमेश रेशमिया और एक के सर। तो लाइव कंसर्ट हो रहा था कोलकाता में। तो ये बात है 2 दिन पहले की, 30 तारीख को वो कोलकाता है। उस दिन भी प्रोग्राम किया उन्होंने, लाइव स्टेज प्रोग्राम किया। और 31 को भी उन्होंने उनका प्रोग्राम हो रहा था कोलकाता में, एक ऑडिटोरियम है नजरुल कुछ करके है, वहाँ पे हो रहा था उनका स्टेज प्रोग्राम। वो जो जगह है ना, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे भी एक तरीके से वो हत्या ही हुई। जिस तरीके का आप अगर आप देखोगे ना एटमोसफेयर, अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पॉइंट्स थे वहाँ पे, क्या क्या वीक पॉइंट्स थे वो बताऊंगा आपको। वो जो ऑडिटोरियम था उसकी कैपेसिटी है 2500, मतलब 2500 आदमी की। वहां पे 7000 लोग थे, 7000 लोग वहां पे लाइव देख रहे थे। अब जो लोग अगर किसी इवेंट में गए होंगे, ऐसे शोज में गए होंगे, तो आपने देखा होगा वहां पे बहुत सारी लाइट्स होती है, बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स होती है। उसके बाद स्टेज के बाहर जो फायर क्रैकर्स होते हैं वो कुछ कुछ देर पे फायर आग निकलते रहता है। तो ये सारा कुछ होता है ना, तो वहां का एटमोसफेयर बहुत ही गर्म हो जाता है। और इतने लोगों में आप कितना भी एसी लगा दो ना, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। वो कितना भी आप लगा दो वो कोई काम नहीं करेगा, कोई भी एसी। तो आपने वीडियोस देखे होंगे कि केके सर जो है ना वो गाने गा रहे थे, लेकिन बीच में बहुत ही वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे बार बार स्टेज के पीछे आके, और वो अपना चेहरा जो है वो साफ कर रहे थे। और एक वीडियो में आपने देखा होगा कि वो इशारा भी कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके कि मतलब एसी चालू करो, बहुत गर्मी लग रही थी उनको। तो वहां पे उनको जो है वो चेस्ट पेन होना स्टार्ट हुआ, उन्होंने कंप्लेन किया। और यहाँ पे गलती देखो क्या है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है लेकिन ना ही वहाँ पे कोई एम्बुलेंस है, ना ही वहाँ पे कोई डॉक्टर है। मतलब अगर आपने आर्टिस्ट को बुक कर लिया है तो बस बुक कर लिया, उसका काम है इंटरटेन करना, चाहे वो जीएम आर उससे ऑर्गेनाइजर्स को या फिर ऑडियंस को भी कोई मतलब नहीं है। भाई ऑडियंस भी सोची कि मैंने पैसे दिया है यार, बिना गाए कैसे चला जाएगा ये। अगर ऐसे शोज में सिंगर कुछ भी कर देता है ना भाई साहब, हंगामा हो जाता है, मारपीट, दंगा फसाद, सारा कुछ हो जाता है। यहाँ पे ऑडियंस की भी गलती है, बहुत बड़ी गलती है ऑडियंस की भी। मैंने बहुत सारे से शोज देखे है ना जहाँ पे अगर सिंगर से जरा से भी कुछ भूल हुआ या कुछ भी हुआ ना, वहां पे भाई माहौल ही बदल जाता है बिल्कुल। तो जैसे उनको चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने कंप्लेन किया तो उनको वहां से निकाला गया। और उनको वहां से जो निकाला गया ना, तो चेस्ट पेन हो रहा था उनको, तो वो उनको या तो स्ट्रेचर पे ले जाना चाहिए था या फिर उनको उठा के ले जाना चाहिए था, उनको चला के ले जाया जा रहा है। एक तो चेस्ट पेन है, ऊपर से उनको फास्ट वॉक करा के निकाला जा रहा है वहां से। तो ये जो रीजन है, उनको होटल ले जाया गया, वहां से उनको होटल ले जाया गया, यानी कि डायरेक्ट वो हॉस्पिटल गए। यहाँ पे ये भी एक है कि उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, वो होटल गए। होटल में उनको और प्रॉब्लम जो है वो हुई, और जब तक वो वहां से फिर हॉस्पिटल पहुंचते बीच रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो एक तो रीजन कि ओवर क्राउडेड पैलेस, मतलब जहां पे 2500 लोग हैं वहां पे 7000 लोग भरे हुए हैं, एसी ढंग से काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल बंद
जगह है वहां पे, उसके बाद ना ही आप इतने बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, ना ही आपने एम्बुलेंस का रखा है, ना ही कोई डॉक्टर है जो ऑन स्पॉट फर्स्ट एड तो कर सके, एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो कर सके, वो बिल्कुल नहीं है। और आपने पैसे दे दिए, मतलब सिंगर से आप कुछ भी करवा लो 1 घंटे 2 घंटे के लिए वो आपका है, मतलब जान ही ले लो। और वही हुआ कि के सर हमारे बीच में नहीं है। तो देखो रीज़न डेथ का कुछ भी हो, लेकिन जो इंसान चला जाता है ना उसके पीछे जो लोग रह जाते हैं वो सफ़र करते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, उनको सुनना पड़ता है कुछ। तो यहाँ पे जो दोनों की डेथ है ना, वो मैं नहीं मानूंगा कि यार मतलब इसमें गलती हुई, कुछ मिस्टेक्स हुई, और जिसका रीज़न है कि हमने अपने दो सितारों को खो दिया, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री ने अपने दो सितारों को खो दिया, जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने के सर के गाने नहीं सुने, आप जाओ गाने सुनो, आप फील करोगे उस चीज़ को। थैंक यू सो मच वॉचिंग, जय हिंद। जरा सी दिल में जगा, जरा सा